जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तानी फौज हमारी बगावत को कुचलने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम इस बगावत को रुकने नहीं देंगे। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। हम उमा नगरी के मुसलमान आज ऐसी तारीख की बगावत करेंगे कि इस जम्मू कश्मीर की तारीख में इस बगावत के लिए हमारा नाम सबसे पहले सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। तकबीर अल्लाहू अकबर। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? एक पंडित का बेटा होते हुए एक मुसलमान की लड़की के साथ शादी कर बैठे? अपनी जाति, परिवार और समाज के बारे में कुछ नहीं सोचा? मैं आसमां से प्यार करता हूँ बाबूजी। खामोश। प्यार नहीं, पाप किया है तुमने, बहुत बड़ा पाप। अपने खानदान के नाम पर काली पोत दी है तुमने, बिरादरी के सामने नाक कटवा दी हमारी। अब इनमें से कोई भी ना हमारे घर आएगा ना हमारे घर का पानी भी पिएगा। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, माफ कर दीजिए। और आप लोग मेरे किए की सजा बाबूजी और मेरे परिवार को मत दीजिएगा। मैं आसमा को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। तुम्हारे दूर चले जाने से तुम्हारे बाबूजी के माथे पे लगा कलंक धुल नहीं जाएगा। सर, तुम्हारे कह देने से तुम्हारी पत्नी नहीं हो सकती वो लड़की, भूल जाओ उसे। लेकिन चाचा, हिंदू बिरादरान इस जरूरी ऐलान पर गौर फरमाए। हमें अपने कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग एक आजाद मुल्क बनाना है, लिहाजा उमा नगरी के तमाम हिंदुओं को मेरा ये फरमान है कि अगर वो इस जम्मू कश्मीर में रहना चाहते हैं तो जल्द से जल्द वो अपना मजहब छोड़कर मजहब इस्लाम में दाखिल हो जाए, और जो हिंदू मर्द इस्लाम नहीं अपना सकते वो अपनी बीवियों और बेटियों को हमारे लिए छोड़कर उमा नगरी से चले जाए। ये मेरा मशवरा नहीं, मेरा हुक्म है। इनकी इतनी हिम्मत, हम हिंदुओं को धमका रहे हैं? हिम्मत तो होगी ना, पाकिस्तान का हाथ जो है इनके सर पे और घर में हथियार। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा था कि अपनी सुरक्षा के लिए अपने घरों में हथियार रख लेते, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक बात नहीं मानी। जम्मू कश्मीर इनके बाप का है, कैसी बातें कर रही है दीनानाथ जी? दीनानाथ जी, हमें इसी वक्त पुलिस की मदद लेनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप, आज की रात सब लोग चौकन्ने रहना, इन बदमाशों का कोई भरोसा नहीं है। घर में बच्चे ऐलान सुनकर घबरा रहे होंगे। हाँ, इस वक्त तो हम सभी को अपने अपने घर चले जाना चाहिए। बाबूजी, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलिए घर चलिए ना बाबूजी। दीनानाथ जी चलिए बाबूजी। बेटा, इनकी बातों का बुरा मत मानना, तेरी माँ तेरे साथ है। कश्मीर के हिंदुओं को आगाह किया जाता है, उन्हें कल सुबह तक की मोहलत दी जाती है। अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो कश्मीर में कत्लेआम होगा। अल्लाहु अकबर। अम्मी, अब्बू, 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 आपने सुना? ये आवाज तो भाईजान की है। यकीन नहीं होता कि मेरी औलाद है। अल्लाह, क्या कमी रह गई थी मेरी तरबियत में। अब्बू, अब्बू जाइए ना, रोकिए ना भाईजान को। नहीं बेटा, तुझे क्या लगता है मेरे रोकने से वो रुक जाएगा? हरगिज नहीं, वो तो ऐसे शिद्दत पसंद लोगों के आज की कठपुतली बन चुका है, जिनके आगे मुझ जैसा शरीफ सीधा साधा मुसलमान कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं। और इसका अंजाम, इसका अंजाम तो सिर्फ खुदा जानते हैं। अब्बू, लेकिन अगर उन्हें रोका ना गया तो वो पूरे उमा नगरी को तबाह कर देंगे।
गलत फहमी है बेटी तुझे। बेटा पूरा उमा नगरी नहीं बल्कि पूरी घाटी। इन लोगों ने इस फसाद को जिहाद का नाम देकर सीधे साधे मुसलमानों को वरगलाया है। चारों तरफ नफरत और दहशत फैला दी गई है। अब होगा कत्लेआम, अब कटेंगे सर। या अल्लाह।